डिंडोरी के बमनी में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेसियों को आगामी लोकसभा चुनाव में हार स्पष्ट नजर आ रहा है। कांग्रेसियों का दिमागी संतुलन खराब हो गया है, इसलिए चरणदास महंत जैसे सज्जन व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आगामी लोकसभा चुनाव में मंडला से भाजपा प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते के लिए जन समर्थन जुटाने डिंडोरी पहुंचे थे। देखिए, कांग्रेसियों को अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है, इसलिए उनका दिमाग का संतुलन खराब हो गया है। और चरणदास महंत जैसे सज्जन व्यक्ति जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री पर गलत टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि उनको हार स्पष्ट नजर आ रही है। कवासी लखमा जी ने जो कल विवादित एक बयान दिया है, उसको कैसे देखते हैं? उनका भी हार उनको भी नजर आ रही है स्पष्ट, और इसलिए उनका भी दिमाग का संतुलन गड़बड़ा गया है, इसलिए इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। मंडला लोकसभा सीट में क्या लगता है आपको, बीजेपी कितना लीड करेगी, जीत पाएगी नहीं? अब एक कार्यक्रम अभी अटेंड करके आए हैं, सलवा गांव में, वहाँ भारी संख्या में लोग आए थे, भारी उत्साह है, और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी मंडला भी जीतेंगे और पूरा 29 का 29 सीट जीतेंगे। कांग्रेस के नेता लगातार छठवीं अनुसूची लागू करने की बात कर रहे हैं मंडला लोकसभा सीट में, इसको कैसे देखती बीजेपी, का क्या स्टैंड है? अब यहाँ तो लागू हुआ ही है और करोड़ों लोगों को उसका हमारे जो छठी अनुसूची जनजाति पेशा एक्ट लागू किया है, तो उसमें करोड़ों लोगों को जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभ मिल रहा है। डिंडोरी से राजेंद्र तंतवाय की रिपोर्ट।